Assalamualaikum, मैं हूँ फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है चिकन का सालन, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए देखते हैं ये चिकन का सालन मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। 500 ग्राम चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है और दो बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया है। इसके अलावा हमें दो टमाटर चाहिए मीडियम साइज़ के, सूखा नारियल है ये ग्रेट किया हुआ 100 ग्राम, और थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ पुदीने के पत्ते, 5 हरी मिर्च यहाँ पर मैंने ली है, इसको मैंने कट्स लगा लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए दही 1/2 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें चिकन का सालन बनाने के लिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक, जितना नमक हमें सालन के लिए चाहिए उतना नमक मैंने ये चिकन में ही ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे और फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये सूखा नारियल है, इसको हम हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए अब ये भून चुका है, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। तो इसे मैं अभी निकाल लूंगी कढ़ाई से। नारियल मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और ये जो प्याज है इसको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए ये जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं कढ़ाई से। देखिए जो तीन चीजें हैं, टमाटर, प्याज और नारियल, तो ये तीनों चीजों को हम पीस कर इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले ये नारियल हम इस जार में डाल देते हैं और इसे हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ये जो नारियल है वो ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे और प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे और ये सभी चीज़ों को पीस कर इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो सके। तो देखिए इस तरह से हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो 1 घंटा हो चुका है, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने तेल भी ऐड कर दिया है, 5 टेबल स्पून तेल है ये। और ये जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हमने जो पेस्ट तैयार करके रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले को हम हल्का सा भूनेंगे और फिर हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो ये मसाले को हमने हल्का सा भून लिया है, अब हम इसमें एक एक करके सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर,
रेड चिली पाउडर, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट हम इसे भूनेंगे। दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ये हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। चिकन को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी लीड बंद कर देंगे। और जब तक ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं वो चिपके नहीं। तो देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, तो हम चिकन को इसी पानी में सॉफ्ट करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका चिकन हार्ड है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जो दही और चिकन का जो सारा पानी था वो ड्राई हो चुका है और ये जो हमारा चिकन है वो इसी में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। लेकिन आपका चिकन अगर लग रहा है कि नहीं गला है तो आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और फिर इस चिकन को सॉफ्ट कर लें। लेकिन ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। आप जैसी चाहें वैसी इसकी ग्रेवी रख सकते हैं, पतली या फिर गाढ़ी, आप खुद अपने बॉस हैं, तो आप जैसी चाहें वैसी रख लें। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना थोड़ा सा और कटा हुआ हरा धनिया। इसे हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट बाद ये पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। तो बड़ी ख़तरनाक सी इसमें खुशबुएं आ रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये सालन बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें।